जैसे कमल हसन थे उनको भी लोग बहुत लाइक करते थे, लेकिन एक दो फिल्मों के बाद वो वापस चले गए. No, it depends upon you. You want me to stay or go? फिल्म की रिलीज तीन बार चेंज हुई, तो मतलब इसके पीछे क्या बड़ी हिंदी फिल्में आ रही थी ये वजह थी, या फिल्म कुछ काम चल रहा था फिल्म का, ग्राफिक्स का या कुछ? Yeah, one is being a big production. So a lot of VFX post-production activities are there. So we want to give a quality product after working so hard. So we thought a couple of weeks doesn't really matter for the release. So we postponed. मेरा सवाल बीके से है. बीके, मतलब शुरुआत से ही दे दे प्यार दे, भारत, कबीर सिंह, अब साहो, मतलब जो पहले से ही हिट दिख रही है, मतलब सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ साथ कहीं छोटी फिल्मों पे भी आपका ध्यान है? सी, वी बैक, और हम हर ऑलवेज कंटेंट को बैक करते हैं, और यस, इस टाइप की जो फिल्में होती हैं जिसमें इतना भरपूर एक्शन होता है, और जिस तरीके से ये फिल्म माउंट की गई है, आई गेस आपने खुद ही अपने क्वेश्चन में जवाब दे दिया कि इतनी बड़ी फिल्म, तो मेरा क्रेज़ इस फिल्म को बैक करने का यही था कि एक बहुत बड़ी फिल्म दर्शकों को दिखाई जाए. तो लेकिन हर फिल्म आपने देखा, हम हिंदी मीडियम भी किए, हमने तुम्हारी सुल्लू भी किया, हर टाइप की फिल्में भी बैक. और साथ ही भूषण जी, आप म्यूज़िक के भी काफ़ी विद्वान हैं, आपके यहाँ से ये कबीर सिंह का गाना भी हिट हुआ है, और इस फिल्म में अभी तक तो गाना आपने रिलीज नहीं कराया, लेकिन ब्लॉकबस्टर हुए हैं वो दोनों गाने, तो ये आप कैसे कर लेते हैं, मतलब हाउ मच इज योर इनपुट? सी, आई वांट टू थैंक द एंटायर टीम अगेन, उन्होंने काफी इसमें हमें मिलके हमने गाने बनाए. डायरेक्टर वॉज वेरी कोऑपरेटिव इन टर्म्स ऑफ मेकिंग सॉन्ग, कि हम मुझे उस तरीके के गाने बनाने उनको चाहिए थे जिस जो हिंदी सिनेमा के ऑडियंस को भी बहुत पसंद आए. तो इसलिए अगर आप गाने देखेंगे तो इट इज़ वी हैव मेड द सॉन्ग बायलैंगुअल. नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कोई तेलुगु फिल्म बनाए तो वो गाने डब होते हैं, बट ये गाने पहले हमने हिंदी में बनाए और उसके बाद रिकम्पोज करके उसको तेलुगु में भी किया, एंड इन अदर लैंग्वेज ऑल्सो. सो इसमें काफ़ी सबका कोऑपरेशन रहा है, एंड हमने मिल के एक बहुत अच्छी एल्बम बनाई है इसमें साहू में. बिफोर क्लोजिंग, आई हैव माय लास्ट क्वेश्चन टू प्रभास. आर यू ऑल सेट टू गिव अ टफ कंपटीशन टू द खान्स हियर? थैंक यू मैम, कैन आई लीव? हाय प्रभास, मैन ऑफ यू वर्ड्स, ही इज जस्ट किल्ड इट विद दिस. प्रभास, हाय, दिस इज सौरभ हियर. या हाय, वी हैव सीन मेनी एक्शन सीन्स इन दिस फिल्म. हैव यू गॉन थ्रू एनी इंजरीज? No, not really. I think this time it's like own production, so they took more care. So my friend's production, so they're like, no, that is risky. This is risky. So it's. I think this time I didn't get much. Hi, Prabhas. Yeah, this is the last question. Hi, Prabhas sir. This is Ravi Gupta from Filmy Fever. Hello. Sir, congratulations for the success of Bahubali. Thank and you. After that, I'm sure this is a blockbuster. Thank you, sir. Sir, hope so. Hindi ke jo fans hai. बहुत ही ज़्यादा आपके बढ़ चुके हैं. थैंक यू. हमने आपकी आवाज़ सुनी है हिंदी में, लाइव हम सुनना चाहते हैं कुछ हिंदी के कुछ शब्द आपसे. सर, व्हाट डू यू लाइक टू से समथिंग इन हिंदी? सर सम वर्ड्स फॉर योर फैंस, नॉट फैंस, डाई हार्ड फैंस. आई कैन से फैंस डाई हार्ड. सर, हिंदी नेक्स्ट टाइम. सर 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 वन मोर थिंग. जय हिंद. एट दिस मोमेंट सर, एट दिस मोमेंट अ लॉट ऑफ तेलुगु फैंस आर वॉचिंग यू लाइव. कुछ तेलुगु में भी आप कुछ कहना चाहें फैंस को? लव यू ऑल.